मेरा प्रश्न जो है वो आपका जो दूसरा मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड है। आप MOS फॉर PMO भी हैं और भारत सरकार में यह विभाग किस प्रकार से काम करता है और जिस प्रकार से प्रतिदिन महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं तथा कार्यों की जो निगरानी रखी जा रही है उसमें इस विभाग का क्या योगदान रहता है, कृपया हमें बताइए। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए, क्योंकि कुछ मर्यादा की सीमाएं रहती हैं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं, मुझे नहीं लगता कि विश्व में किसी भी हेड ऑफ स्टेट की इस प्रकार की कार्यशैली रही हो। एक तो जो 24 घंटे में से 18-20 घंटे केवल और केवल काम, और फिर हर विषय में बारीकी तक जाना। आरंभ में वो आए तो कई बार हमसे समय लेते थे, अधिकारी लोग उनसे पूछते थे कि साहब आपको ब्रीफ करना है सर, तो कितना समय रहेगा, और वो चौंक जाते अधिकारी जब वो कहते कि मेरे पास समय का कोई अभाव नहीं है, तुम अपना सोच लो, तुम्हें जितने घंटे कहो मैं बैठने को तैयार हूं। वो सुनते हैं बात को और अपना जो सुझाव देते हैं, मैं तो ये कहता हूं हमेशा से कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज अ वेरी ग्रेट रिसोर्स पर्सन। विषय कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, आप जब उनसे चर्चा करके लौटेंगे तो कुछ ना कुछ नया उसमें इनपुट जुड़ा होगा, और वो इसलिए संभव होता है कि वो इतनी गहराई में उसमें लीन हो जाते हैं हर विषय में। इसलिए मुझे लगता है कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है, और उनके कार्यशैली से ही सब लोग अन्य भी प्रेरित होते हैं। जब आपको लगता है कि हमारा मुखिया इस प्रकार समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ, संकल्प के साथ 24 घंटे परिश्रम कर रहा है, आज तक एक दिन का अवकाश नहीं लिया, तो आपका मन ही आपको कुरेदता है, आपकी अंतरात्मा कुरेदती है कि इफ आई हैव टू लिव अप हिज एक्सपेक्टेशन, यदि मैंने इनकी अपेक्षा पर पूरा उतरना है तो मैं बिना शिकायत किए, बिना किसी से कहे और बिना ये बात जितलाते हुए, कम से कम उतने उनके जितना नहीं तो कहीं ना कहीं तक अपनी यथाशक्ति जितना हो सके अपना योगदान निभा पाऊं। और इसी कारण जितनी की जितनी टीम है मोदी जी की, वो पूरी तरह अपनी यथाशक्ति जितना संभव हो सकता है अपना समय भी देती है, अपना परिश्रम भी करती है, और उसका ये नतीजा है कि एक के बाद आपने देखा होगा 7 वर्षों में जितनी भी योजनाएं आई हैं वो जनहित की है। शोषित, पीड़ित समाज के ऐसे वर्ग जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से छूट गए थे, चाहे किसान है, महिलाएं हैं, युवा हैं, और उनकी चिंता इस प्रकार से की गई है कि जो नए नए किस्म की इनोवेटिव योजनाएं, वो प्रधानमंत्री जी के ही दिमाग की उपज है। चाहे वो किसान निधि योजना है, किसान को पैसा भी देना लेकिन सम्मान के साथ देना, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, महिला की रसोई को सशक्त भी करना और साथ में उसके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना, चाहे वो लाल किले से शौचालय बनाने का आह्वान है। कभी सोचा था किसी ने कि प्रधानमंत्री जो के बड़ी बड़ी योजनाओं का जिक्र करते हैं, 15 अगस्त का इंतजार करते हैं, वहां शौचालय की बात करें। इसी कारण आज मोदी जी का एक देश के मुखिया होने के नाते, हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते, उनका उदाहरण देश भर में नहीं बल्कि विश्व भर में दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने केवल एक मुखिया के तौर पर काम नहीं किया, पूरी तरह से समर्पित होकर के अपने आप को इन्वॉल्व करके हर चीज की डेप्थ में जाकर के काम किया है, और उसके जो परिणाम है उनको देख करके आज विश्व चौंक रहा है।